और अदनान नहीं है, अदनान टीवी शो पे है, लेकिन ये अदनान के अबू हैं और अब्दुल भी अदनान का भाई है। ये रैपर है, बहुत बहुत अच्छा रैपर है, इसका भी गाना आ रहा है बहुत जल्द भाई। घुसी जाओ मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज मेरा डीओ भी लॉन्च हुआ है और बाकी सारे भी है, मेरे ग्रुप के दो मेंबर नहीं है, अदनान और शादान। अदनान एस ऑफ स्पेस में गया है और इंशाल्लाह वो जीत के आएगा वहाँ से, और शादान थोड़ा जिम में बिजी है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच गाइज आने के लिए और थैंक यू सो मच आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, मेरा बर्थडे और स्पेशल हो गया। मैं तो उसको सुबह से फोन कर रहा, कब मिल रहा है, इतनी एक्साइटमेंट है। यहाँ पे आने में भी थोड़ा टाइम किया हंसने ने, वो बुरा लगा थोड़ा, बाकी ठीक है, बहुत खुशी है। और डिओड्रेंट भी अभी लॉन्च हुआ और 10 लाख तक कमा लिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे तो मैं कल ही दुबई से आया और थक गया हूँ, बहुत सुबह से सो रहा था, तो मैंने देखा अभी और बहुत खुशी हो रही है। हसनैन का भी आपको बहुत जल्दी एल्बम सॉन्ग दिखेगा अश्नूर के साथ में। अश्नूर को या मेरी गलती तुम्हारी गलती थी भाई, तभी यही बोला उसने मेरी गलती। आप दोनों ने यूज़ किया डिओड्रेंट, कैसा लगा आपको फैसु का? नहीं अभी जो प्रोडक्ट है वो अभी आया नहीं है, तो अभी उसकी प्री बुकिंग ही हो रही है और प्रोडक्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये प्री ऑर्डर है और हम चाहते हैं कि फैसु के, एक्चुअली हमने ये बात बताई नहीं अब तक, जो 20 लोग हम चूज़ करेंगे मीट एंड ग्रीट के लिए, जो लकी विनर्स होंगे उनके साथ हम ये जो फ्रेग्रेंस है हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, लेकिन वो जो 20 लोग होंगे मिलके फैंस के साथ मिलके एक फ्रेग्रेंस लॉक होगा और वो दिसंबर में शिपिंग होगी उसकी। फैसु आपसे जानना चाहेंगे, ये बर्थडे तो आपके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन पहले जब आप टिकटॉक पे नहीं थे, फेमस नहीं थे, तब कैसे सेलिब्रेट करते थे आप अपना बर्थडे, थोड़ा सा अगर फैंस को बताया? तभी भी मैं सेलिब्रेट करता था, मगर तभी इतना प्रोफेशनली नहीं होता था जो अभी हो रहा है, मतलब फ्रेंड्स लोग को बुला लिया, कॉलेज फ्रेंड्स लोग को बुला लिया, बस ऐसे ही करके हम लोग थोड़ी बहुत छोटी मोटी क्लबिंग वगैरह पार्टी वगैरह करते थे, और अभी नेक्स्ट टाइम और मैकडी चले आ रहे। सीक्रेट तो शेयर नहीं कर सकते, सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते, बहुत सीक्रेट है। कोई मेमोरी शेयर कर सकते आप लोग जो की साथ में रहे हैं इतने समय से, कुछ ऐसा जो आज आप बताना चाह रहे हैं मीडिया को? हमारा कॉलेज टाइम जो हम साथ में बर्थडे तब जब गए थे मैकडी में गए थे, और तो वो टाइम पे मतलब हम लोग कॉलेज टाइम में ना मतलब बर्थडे कैसा बनाते थे कि मतलब सुबह सुबह मिले हम लोग 5-6 दोस्त लोग केक काटे, फिर मैकडी गए, फिर वहाँ से घर, बस ज़्यादा नहीं करते थे बस लोग, अरे वो चीज़ सुबह होती थी, अभी थोड़ा अलग तरीके से रात में हो रही है। आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करने वाले हैं? एक्साइटमेंट तो है, लेकिन हमें जो थोड़ा दूर भी है वो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब जो हिसाब से उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री बहुत अच्छी है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी हिट मार के आएगा और फर्स्ट आएगा। मैं एक बात करना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आपने भी की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, शायद फैसु थोड़ा काफ़ी हम्बल है, वो ज़्यादा बोलते नहीं इसके बारे में, लेकिन हमारी प्राइवेट इसके बारे में जब बात होती है कि जो आप देखोगे इनका जो कंटेंट है ये बहुत केयरफुली वो कंटेंट जब वो चूज़ कर रहे हैं कि ये कंटेंट फैमिली के लिए होना चाहिए, उसने पहले भी कहा था आज अर्लियर टुडे कि वो क्लीन कंटेंट होना चाहिए, जो इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है पांचों का मिलके कि एक रोल मॉडल सेट करें कि क्या सही तरीका है, क्योंकि इनके फैंस इतने सारे हैं ताकि अगर वो जो कंटेंट देख के वो एक पाथ चूज़ कर सकते हैं, तो सबसे इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि वो कंटेंट सही पिक करें और एक रोल मॉडल सेट करें बच्चों के लिए और यंगर फैंस के लिए स्पेशली, एंड इसलिए वो एक चीज़ है ये सब करना, एक बिजनेस खड़ा करना वर्सेस जस्ट डूइंग यू नो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर एंड प्रमोटिंग अदर ब्रांड, एक खुद का अपना ब्रांड। तो आप देखोगे आगे जाके हम पूरे टीम 07 के लिए ये लॉन्च करना चाहते हैं, हमने फैसु के साथ स्टार्ट किया है, तो दैट इज़ द लार्ज प्लान कि एक बिजनेस खड़ा करें और सिर्फ इन्फ्लुएंसर एक पार्ट है लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उससे अलावा एक बिजनेस भी खड़ा करें। वो भी बाजी। तो अभी जैसे हम लोग ने ये वीडियो बनाए थे तो इसमें एक हम लोग मॉरल मैसेज के साथ में आए थे और वो लोगों को बहुत पसंद भी आया, और ज़्यादा करके आप देख सकते हो उस कंटेंट पे आपको नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेंगे जो कि कंटेंट पे आते हैं, मगर वो बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज था हम लोग की तरफ से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटेंट जो हम बनाएंगे वो भी एक मॉरल मैसेज के साथ में होगा। पहले तो मैं वो ब्रांड के बारे में बोलूँगा कि मैंने आज सुबह देखा और हम लोग को पहले से मालूम था कुछ होने वाला है, बट जो ड्रास्टिक मतलब ग्रोथ हुआ और हम लोग सब लोग देख रहे थे कि कितना फटाफट सेल हो रहा था उसका, सो आई एम सुपर प्राउड ऑफ फैसु एक्चुअली कि उसके पास इतने एक्टिव ऑडियंस है, एंड आई एम तो ऑलवेज प्राउड, बस यही दुआ रहेगी कि उन लोग हमेशा जो कर रहे हैं
और बढ़ते जाए, अल्लाह उनको और तरक्की दे एंड इंशाल्लाह आई वुड लव टू सी देम ऑन टॉप। या मैं स्पेशली दुबई से आया हूँ जस्ट टू फॉर द बर्थडे ऑफ फैजू। आई एम वेरी हैप्पी, ये बहुत अच्छा नाम है 24/7 क्रश बाय मिस्टर फैजू। ही इज़ इंडियाज नेशनल क्रश, सो एंड इट्स हिज बर्थडे। और इस मौके पे जब ये ब्रांड लॉन्च हो रहा है तो आई थिंक नथिंग बिगर देन दिस एंड माई ऑल विशेज फ्रॉम मी एंड माई फैमिली फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट टू हिम बाय हिज कंपनी। हम लोग बहुत जल्दी आपको एक न्यूज़ देने वाले हैं। आई थिंक ऑन द 7th or 8th हमारा नेक्स्ट सॉन्ग का टीज़र आ रहा है एंड इट विल ब्लो यू। इट्स दैट एन अमेजिंग सॉन्ग एंड अ टीज़र।